हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आज की इस वीडियो में। हम बात करने वाले हैं गाइस, आप अपने फ़ोन में अपनी कॉल सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में सिंपल स्टेप है, आपको उन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन में अपनी कॉल रिकॉर्डिंग कॉल सेटिंग कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो की जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने के लिए गाइस, हमें सबसे पहले अपने फ़ोन की डायलर पैड में जाना है। डायलर पैड में जाने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो हमारे थ्री बिंदु का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो हमें इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमारा सेटिंग पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन है कॉलर आईडी स्पैम, तो हमें इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोनों ऑप्शनों को ऑन कर देना है। तो गाइस, हमें बैक आ जाना है। बैक आने के बाद हमें दो ऑप्शन ही है, बिल्कुल भी नहीं चुने, इससे कुछ नहीं होता। तो गाइस, ये हमारा ब्लॉक्स नंबर है, तो हमें ब्लॉक्स नंबर पे क्लिक करना है। ब्लॉक्स नंबर से क्या होता है गाइस, तो हमारे कुछ ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो अनकाउंट नंबर, तो इस ऑप्शन को ऑन करने से आपके फ़ोन में जो नंबर है अनसेफ, जो आपके फ़ोन में नंबर सेफ नहीं है, आपके वो नंबर ब्लॉक हो जाएंगे। उससे ना आपको कोई मैसेज नहीं मिलेगा, ना कोई कॉल। अगर आप चाहते हैं किसी नंबर पर्सनल नंबर को ब्लॉक करना, तो आपको ऐड ए फोन नंबर पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद अपना एक भी नंबर डाल देना आपको, जो भी आपको डालना है आपको इसे ब्लॉक कर देना। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपने ब्लॉक कर सकते हो। अगर इन्हें ब्लॉक नहीं करना है, तो आपको यहाँ से निकाल भी सकते हो, इस अनकाउंट को ऑप्शन को ऑफ भी कर सकते हो। तो आपके जो फ़ोन में नंबर कॉल वगैरह सब आएगी और आपको सब पता भी चलेगा। वैसे बैग आ जाते हैं। बैग आने के बाद आपको कॉलिंग अकाउंट मिलता है देखने के लिए। तो कॉलिंग अकाउंट में हमें नीचे आ जाना। नीचे हमारा एक ऑप्शन आया कॉलिंग सेटिंग, तो यहाँ पर फील्ड डायलिंग नंबर्स और कॉल फॉरवर्ड, कॉल वेडिंग। तो कॉल फॉरवर्ड के लिए हमें कॉल फॉरवर्ड, अगर आप चाहते हैं किसी की नंबर पे किसी इस पर कॉल करना, तो आप कॉल फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और कॉल वेडिंग को भी कर सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटिंग है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन देखने को मिलता है कॉल वेटिंग, तो आप यहाँ से कॉल वेटिंग भी कर सकते हो। तो कहीं नीचे बैक आ जाते हैं हम। एक बार बैक आने के बाद हमारा डिस्प्ले ऑप्शन है, तो हम इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन, तो आपको अपने जो कॉन्टैक्ट है फ़ोन में, आपको शुरू नेम से शुरू करना है या लास्ट नेम से। तो गाइस, जैसे कि बहुत से चाहते हैं कि आप हमारे नंबर फ़ोन में जो कॉन्टैक्ट है वो लास्ट नेम से शुरू हो, तो आपको लास्ट नेम पे क्लिक करना है। और आप चाहते हैं कि हमारे फर्स्ट नेम से शुरू हो, तो हम फर्स्ट नेम पे क्लिक कर देते हैं। तो गाइस, इसे कैंसिल करके हम पीछे आ जाते हैं। तो गाइस, एक बार पीछे आ जाते हैं। तो पीछे आने के बाद ये ऑप्शन है हमारा नेवर प्लीज, तो आपको इसे ऑन कर देना। ऑन करने के बाद इसे बैक आ जाना। तो बैक आने के बाद गाइस, एक ऑप्शन और देखने को मिल जाता है हमारा। जैसे कि आप कोई काम कर रहे हो, आपको कॉल उठाने का कोई टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ से चार एप्लीकेशन है, आप कोई सा भी अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं किसी को अपने हिसाब से। तो गाइस, नीचे फिर आ जाते हैं। नीचे हमारा ऑप्शन आ रहा है साउंड एंड वाइब्रेशन, तो हमें इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं गाइस। आप अपने फ़ोन में अपनी मीडिया की रिंगटोन चेंज कर सकते हैं, नोटिफिकेशन की रिंगटोन, अलार्म सेटिंग, कोई सी भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में यहाँ से कोई सी भी इन साउंड को चेंज कर सकते हैं। तो पीछे आ जाते हैं गाइस। एक बार पीछे आने के बाद हमारा एक ऑप्शन और देखने को मिल जाता है वॉइस मेल, तो हमें वॉइस मेल पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमें एडी सेटिंग पर जाना है, तो आपको सर्विस पर क्लिक कर देना है और नंबर पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको जैसे अपनी वॉइस मेल भेजती हैं, तो आपको उसे अपना नंबर डाल के यहाँ से वॉइस मेल भेज सकते हैं। तो गाइस, इससे ओके कर दें। तो गाइस, बैक आ जाते हैं। एक बार हम बैक आने के बाद हम एक ऑप्शन और देखने को मिल जाता है फ्लिप टू साइलेंट, तो हम इस पर क्लिक कर देना और इस ऑप्शन को हम ऑन कर देते हैं। तो ऑन करने की जरूरत गाइस, इससे क्या होता है फ्लिप टू साइलेंट, अगर आप अपना फ़ोन उल्टा करके रख देंगे, फ्लिप कर देंगे, तो आपका जो रिंगटोन है वो खुद ब खुद बंद हो जाएगी। तो गाइस, इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपनी कॉल सेटिंग कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।